कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर विपक्षी दलों की आज शाम 4:30 बजे संसद भवन में बैठक। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलों के बीच पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। राष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को जेडीयू के समर्थन के बाद महागठबंधन में दरार। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को जेडीयू के समर्थन के बाद विपक्ष की बैठक में लालू यादव शामिल होंगे। बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग लालू की बेटी मिसा भारती के पति शैलेश से आज पूछताछ करेगा। कांग्रेस के सवालों पर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कहा, मैं जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं। भोपाल में बीजेपी ने पोस्टर और होर्डिंग्स के जरिए मंदसौर हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। भोपाल में बिना पूछे दीवारों पर मेरा घर बीजेपी का घर लिखने पर लोगों ने जताई आपत्ति। यूपी के बांदा में खेत में शौच के लिए जाने पर दलितों से वसूला जा रहा है एडवांस टैक्स। पंजाब के जालंधर में एक रेस्टोरेंट के सामने 2 गुट में गोलीबारी। पंजाब के कपूरथला में भाई ने परिवार के 4 लोगों को जहर देकर की खुदकुशी। इराकी सेना के अधिकारियों के मुताबिक इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने अल-नूरी मस्जिद को बम से उड़ाया। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब 7 की बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। पुलवामा के काकपोरा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया। तीनों आतंकी एक घर में छिपे हुए थे। सुरक्षा बलों ने जिन 3 आतंकियों को मार गिराया है उनमें काकपोरा का रहने वाला माजिद और शाकिर है, जबकि तीसरा आतंकी इरशाद अहमद अवंतीपुरा का रहने वाला है। आतंकियों से मुठभेड़ रात 9 बजे चल रही थी जो सुबह 4 बजे खत्म हुई। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल और पिस्तौल बरामद हुआ। माजिद पीडीपी नेता के जिलाध्यक्ष अब्दुल गनी वकील की हत्या का आरोपी भी था। पुलवामा के काकपुरा में 3 आतंकी एक घर में छिप गए थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे गांव को घेर लिया और करीब 8 घंटे की मुठभेड़ के बाद आतंकी माजिद शाकिर और इरशाद को मार गिराया गया। माजिद और शाकिर काकपुरा इलाके के ही रहने वाले हैं। सुरक्षा बलों ने इन 2 आतंकियों को घेरा। 2 तस्वीरें आपके सामने। आतंकियों से मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। करीब 8 घंटे ये मुठभेड़ चली, जिसके बाद माजिद शाकिर और इरशाद को मार गिराया गया। माजिद और शाकिर काकपुरा इलाके के ही रहने वाले, जो जानकारी मिल रही है। और इसके मुताबिक 8 घंटे तकरीबन ये मुठभेड़ चली, जहां एक घर में ये आतंकी छुपे हुए थे। सुरक्षा बल वहां पहुंचे और ये मुठभेड़ 8 घंटे की मुठभेड़ चली। उसके बाद ये तीनों आतंकियों को ढेर किया और ये बड़ी कामयाबी निश्चित तौर पर मिली। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी रिफत, एक बड़ी कामयाबी। बिल्कुल अर्पिता, सही कहा आपने। 3 मिलिटेंट मारे गए हैं काकपोरा एरिया में, जो कि पहले भी मैंने कहा था कॉर्डन किया गया था, और ऐसा भी संभावना जताई जा रही थी कि मिलिटेंट शायद भाग निकलने में कामयाब हो गए। हालांकि ये भी सोर्सेज बता रहे हैं कि 5 से 6 मिलिटेंट थे और 2 से 3 मिलिटेंट भाग निकले वहाँ से, कॉर्डन से। लेकिन चूँकि पथराव भी शुरू हुआ था, नारेबाजी भी शुरू हुई थी, उस बीच भी कॉर्डन जो है लगातार बरकरार रहा और देर गए एनकाउंटर शुरू हुआ, जो रात भर तकरीबन जारी रहा। सुबह जो एक खबर मिली कि 3 डेड बॉडीज रिकवर की गई और 3 वेपन जो है बरामद किए गए हैं वहां से, और अभी ये कहा जा सकता है कि 3 लश्कर के मिलिटेंट इस एनकाउंटर में मारे गए हैं, और इसमें एक मेजर जो है आर्मी का, उसको हाथ में फायर लगा है, और उसके अलावा क्लैशेज में 3 जो सिविलियन है वो जख्मी हो गए हैं, उन्हें हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रिफर। जम्मू कश्मीर के त्राल और शोपिया में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। संदिग्ध आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का अभियान चल रहा है। दूसरी ओर खबर है कि दक्षिण कश्मीर में सेना की 2 और बटालियन तैनात की जाएगी।
भारतीय सेना ने एलओसी पर प्लावा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। सेना ने घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी आतंकियों को खदेड़ लिया। तलाशी अभियान में एक AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। तो सेना ने पाकिस्तान के जो आतंकी थे उन्हें खदेड़ा है और आपको बता दें कि घुसपैठ करने की कोशिश ये कर रहे थे जिस पर वो पूरी तरीके से नाकाम हो गए। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सेना के कुछ जवान गाड़ी से उतरे, तेजी से एक इलाके की घेराबंदी करने लगे। यहां सेना और पुलिस के जवानों ने साझा कार्रवाई करते हुए हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकियों को ढेर कर दिया जो एक घर में छिपे थे। और जैसे ही जवानों को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली वो तुरंत मौके पर पहुंचे और इलाके को चारों ओर से घेर लिया। एक जवान ने सड़क पर मोर्चा संभाला तो एक जवान ने छोटी सी पुलिया के ऊपर से आतंकियों को निशाना बनाया। खुद को चारों ओर से घिरा देख पहले तो आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी और फिर एक ग्रेनेड फेंककर हमला किया, लेकिन आतंकियों के हमले को नाकाम करते हुए सेना ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। लेकिन जवानों को मुठभेड़ के दौरान इलाके के लोगों का सामना भी करना पड़ा क्योंकि आतंकियों को भगाने के मकसद से कुछ लोगों ने जवानों पर पथराव कर दिया। लेकिन पत्थरबाजों से निपटने के साथ ही जवानों ने गुलजार अहमद लोन और बासित अहमद मीर नाम के दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। इन दोनों आतंकियों का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से बताया जा रहा है। दोनों HM के तंजीम के साथ हैं, इनसे भारी मात्रा में गोला बारूद वगैरह बरामद। इस अभियान को जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने 22 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ मिलकर अंजाम दिया और हिजब के आतंकी मंसूबों को नाकाम कर दिया। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस की अगुवाई में आज विपक्ष की बैठक होगी। 17 विपक्षी दलों की बैठक शाम 4:30 बजे संसद भवन में होनी है। अब ये लगभग तय है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के मुकाबले अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। विपक्ष की बैठक में जेडीयू शामिल नहीं होगी। जेडीयू ने एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का समर्थन करने का ऐलान किया। दूसरी ओर राष्ट्रपति उम्मीदवार के मंथन के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने मुलाकात की। दोनों की मुलाकात के बाद कयास ये लगाया जा रहा है कि मीरा कुमार विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकती हैं। हालांकि कांग्रेस पहले गोपाल कृष्ण गांधी और स्वामीनाथन के नाम पर विचार कर रही चुकी है और मीरा कुमार और शिंदे भी दलित चेहरे के रूप में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए प्लान बी भी तैयार कर लिया है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए प्लान बी तैयार हो गया है। कांग्रेस का दलित नेता उतारने पर जोर। यहां दलित नेता पर आम सहमति बनाने की कोशिश भी यहां पर विपक्षी दलों के मिलकर होगी। लेफ्ट और दूसरे दलों के मानने पर दलित उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति उम्मीदवार की दौड़ में मीरा कुमार इस वक्त सबसे आगे दिख रही हैं और सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात कहीं ना कहीं इन बातों को पुख्ता भी करती है। राष्ट्रपति उम्मीदवार में सुशील कुमार शिंदे का नाम भी शामिल है। विपक्ष के 17 दल मिलकर ये फैसला लेंगे। दिल्ली में हमले की साजिश का अलर्ट जारी हुआ। खुफिया विभाग ने दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया। खुफिया एजेंसियों ने आगाह किया है कि दिल्ली में लंदन की तरह धमाके किए जाने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राष्ट्रपति चुनाव में व्यस्तता की वजह से 28 जून से होने वाला अपना पंजाब दौरा रद्द कर दिया। गुजरात के नडियाद में अमित शाह ने पार्टी के एक कार्यक्रम में शिरकत की। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने केदारनाथ में बेहतरीन कवरेज के लिए न्यूज 18 इंडिया के कैमरामैन विपिन चंद्र पुजारी को नारद सम्मान से नवाजा। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए DTC इस साल 1000 नई बसें खरीदेगा। राहुल द्रविड़ का मानना है कि केदार जाधव और हार्दिक पांड्या को टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करनी चाहिए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी को खत्म कर उसकी जगह 4 साल में 2 T20 वर्ल्ड कप आयोजित करने पर विचार कर रहा है। ICC ने यह भी संकेत दिए कि अगले T20 विश्व कप में 16 की बजाय 20 टीम हिस्सा ले सकती हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज में साइना नेहवाल, के श्रीकांत और BSI प्रणीत अपने अपने मुकाबलों में जीत के साथ दूसरे दौर में पहुंच गए। अगले महीने दक्षिण अफ्रीका में होने वाली हॉकी वर्ल्ड लीग में रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की अगुवाई करेंगी। खबर है कि निर्देशक विशाल भारद्वाज की अगली फिल्म में इरफान और दीपिका पादुकोण काम कर सकते हैं। खबर है कि अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा कई राज्यों में टैक्स फ्री हो सकती है। एक सोच के लिए इतना गुस्सा, अगर पहले पता होता तो शादी ना करती। स्वच्छता पर बनी अक्षय की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की PM मोदी भी तारीफ कर चुके हैं। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपने बेटे आर्यन के साथ हर तरह की बातें करते हैं और फिल्मों के लिए टिप्स भी देते हैं।
एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की, जिसके बाद आज सुबह रामनाथ कोविंद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात करेंगे। रामनाथ कोविंद को शिवसेना, टीडीपी, जेडीयू, टीआरएस ने समर्थन देने का ऐलान किया है। पटना में मुख्यमंत्री आवास में एक के बाद एक कई गाड़ियां कतार बनाकर दाखिल, जहां राष्ट्रपति चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने विधायकों की बैठक बुलाई, जिसके बाद जेडीयू ने राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद का समर्थन करने का फैसला लिया। इससे पहले नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा के लिए विधायकों की बैठक बुलाई, जिसके बाद एक के बाद एक कर कई विधायक गाड़ियों के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। विधायकों की बैठक के बाद जेडीयू के विधायक रत्नेश सदा ने दावा किया कि जेडीयू ने कोविंद के समर्थन का फैसला लिया है। दल के सभी नेताओं का फैसला है, हम लोग रामनाथ कोविंद के साथ हैं। हालांकि जेडीयू की बैठक के काफी देर बाद तक इसे लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन देर शाम तक जेडीयू की ओर से इस फैसले की आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई। सभी विधायकों की एक मत से राय थी कि उनके लोकतंत्र की जो स्वस्थ परंपराओं का निर्वाह श्री कोविंद जी ने किया है, उसका आदर करते हुए उन्हें समर्थन दिया। जेडीयू ने 22 जून को विपक्ष की बैठक में शामिल न होने का भी फैसला लिया, जिसके बाद विपक्ष की एकजुट होने की कोशिश को बड़ा झटका लगा। नतीजा ये हुआ कि विपक्षी नेताओं की जबान पर ताला लग गया। ऐसे में जब लालू यादव से जेडीयू के रुख पर सवाल किया गया तो वो जवाब दिए बगैर चलते बने। नीतीश जी ने जो कहा है कि अब हम नहीं सुना। हालांकि लालू यादव ने एक बार फिर दोहराया कि आखिरी फैसला 22 जून की बैठक के बाद होगा। वहीं कांग्रेस ने भी जेडीयू के रुख पर सीधा जवाब देने से परहेज किया। कल विपक्षी दलों की बैठक है, जो भी रणनीति तैयार होगी वो रणनीति आपके समक्ष रख दी जाएगी। हालांकि जेडीयू के साथ आने के बाद रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना तय हो गया है। यही वजह है कि कोविंद ने बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने का सिलसिला जारी रखा। इस कड़ी में कोविंद ने बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। आज सुबह 6 बजे से पेट्रोल और डीजल के दाम कुछ और कम हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल की अब रोजाना कीमत तय हो रही है, और आइए अब आपको अलग अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल के आज के जो दाम है वो दिखा रहे हैं। तो आपके शहर में आज पेट्रोल और डीजल के दाम, क्योंकि अब हर सुबह 6 बजे तय होते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, और आपके शहर में क्या दाम है पेट्रोल और डीजल का, ये हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। अलग अलग शहर जिनकी पेट्रोल और डीजल के दाम हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर, जो लखनऊ में पेट्रोल और डीजल के क्या दाम है ये आप देख पा रहे हैं, शहर पटना में क्या पेट्रोल और डीजल के क्या दाम है, रायपुर में, ये अलग अलग शहर जहां पे हम पेट्रोल और डीजल के दाम दिखा रहे हैं। अयोध्या में दो ट्रक से बड़े बड़े पत्थरों को उतारते दिखा। मंदिर आंदोलन से जुड़े साधु संतों का दावा है कि राम मंदिर बनाने का काम जल्द शुरू होने वाला, जिसके लिए राजस्थान से बड़े पैमाने पर अयोध्या के लिए पत्थर मंगाए जा रहे हैं। ये पत्थर इतने भारी भरकम हैं कि क्रेन की मदद से इन्हें उतारना पड़ा। इन पत्थरों को अयोध्या के कार सेवक पुरम में उतारा गया। यहीं से पत्थर राम जन्मभूमि कार्यशाला तक पहुंचाए जाते हैं, यानी वो जगह जहां इन्हें तराशने का काम चल रहा है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े दिगंबर अखाड़े का दावा है कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण जल्द शुरू होने वाला है, चाहे कोर्ट से या आपस में बातचीत करके जल्द से जल्द राम जन्मभूमि का निर्माण होगा। दिगंबर अखाड़े के महंत की माने तो 26 जुलाई को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आने वाले हैं, जहां योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे रामचंद्र दास परमहंस को श्रद्धांजलि देंगे। और जानकारी के मुताबिक इसके बाद दिगंबर अखाड़े में ही राम मंदिर बनाने पर संतों और महंतों के साथ योगी आदित्यनाथ चर्चा भी करेंगे। और राजस्थान से पत्थरों की नई खेप आने के बाद राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने भी यही दावा किया। उनका कहना है कि केंद्र और यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब राम मंदिर निर्माण में शक की कोई गुंजाइश नहीं बची। मोदी जी और योगी जी का जन्म अवतार और गद्दी राम मंदिर के निर्माण के लिए ही हुई। विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया कि अखिलेश सरकार ने पत्थरों के आने पर रोक लगा दी थी, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। जो सरकार थी वह नहीं चाहती थी कि भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य में प्रगति हो। विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि राम मंदिर निर्माण में लगने वाले पत्थरों को तराशने का काम 65% तक पूरा हो चुका है। मिसा के पति से आज पूछताछ होगी। बेनामी संपत्ति मामले में आज मिसा भारती के पति शैलेश कुमार से आयकर विभाग पूछताछ करेगा। मामले में राबड़ी देवी और उनकी दो और बेटियों से पूछताछ हो सकती है।
मंदसौर में किसानों पर फायरिंग की घटना के बाद शिवराज सरकार ने जिला अधिकारी स्वतंत्र कुमार और एसपी ओपी त्रिपाठी को निलंबित कर दिया। इसके अलावा कई और आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। झाबुआ में मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग का मानना है कि किसानों को कर्ज माफी की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार पहले ही किसानों को -10% की दर पर कर्ज दे रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल में किसान ने कीटनाशक खाकर खुदकुशी की कोशिश की। किसान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव में प्याज की आवक ज्यादा होने से प्याज की कीमत में भारी गिरावट आई है, जिससे प्याज ₹1.25 प्रति किलो बिक रहा है। यूपी के हमीरपुर में प्रभारी मंत्री मुन्ना कौरी औचक निरीक्षण के लिए बस डिपो कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान ड्यूटी से निर्धारित 6 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। फिरोजाबाद में पुलिसकर्मी ने नशे में जमकर हंगामा किया और एक पुलिस वाले की रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की। मुंबई के खेरवाड़ी में पति की हत्या की साजिश रचने वाली आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पत्नी पर सुपारी देकर हत्या कराने का आरोप है। छत्तीसगढ़ के मरवाही में 2 भालू कुएं में गिर गए। एक भालू को निकाल लिया गया और दूसरे को निकालने की कोशिश जारी है। भोपाल में दवा व्यापारी से 1,18,00,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। कानपुर में कपड़ा मिल में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के हरदोई में एक शख्स गंभीर रूप से जली हालत में एक महिला को अपनी गोद में लेकर अस्पताल के बाहर बैठा। आरोप है कि 4 दिन इलाज कराने के बाद अस्पताल ने महिला को लखनऊ ले जाने की सलाह दी, लेकिन एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई, जिसके बाद वो गंभीर रूप से जल चुकी अपनी बहन को लेकर सड़क किनारे बैठ गया और मदद का इंतजार करने लगा। इस दौरान वाहन लोगों की भीड़ भी जुट गई, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं दिया? नहीं, अभी नहीं दिया भाई। क्या कहा? कहने लगे तुम अपना वाहन करो, ले जाओ। कुछ देर बाद पीड़ित का एक रिश्तेदार वहां पहुंचा और उन्हें एक प्राइवेट गाड़ी में लखनऊ ले गया। खबर सामने आई तो अस्पताल प्रशासन ने भी जांच का भरोसा देकर मामले को टालने की कोशिश की। दोषी व्यक्ति जो भी आएगा उसे दंडित करने के लिए उच्च अधिकारियों से संस्तुत की जाएगी। अस्पताल ने भले ही एम्बुलेंस मुहैया न कराई हो, लेकिन ये खुशकिस्मती थी कि मरीज को वक्त रहते गाड़ी मिल गई, जिससे बेहतर इलाज संभव हो पाया। लेकिन ओडिशा का एक शख्स इतना खुशकिस्मत नहीं रहा, जिसके नवजात बच्चे के इलाज के दौरान मौत हो गई और उसने अपने घर जाने के लिए अस्पताल से एम्बुलेंस की मांग की। लेकिन आरोप है कि 3 किलोमीटर की दूरी के लिए अस्पताल ने एम्बुलेंस देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद वो शख्स अपने बच्चे का शव हाथ में लेकर पैदल ही चल पड़ा। इस दौरान एक बच्चे को गोद में लिए उसकी पत्नी भी उसके साथ चल रही थी। राह चलते कुछ लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, मगर अपने बच्चे के गम और अस्पताल की बेरुखी का मारा शख्स 3 किलोमीटर तक बच्चे के शव को गोद में लिए पैदल ही चलता रहा और प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल अपने बयान को लेकर घिर गए हैं। मनप्रीत बादल पर किसानों की तुलना भिखारियों से करने का आरोप है। पंजाब सरकार ने खुदकुशी करने वाले किसानों के परिजनों की मदद 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी, जिस पर मनप्रीत बादल ने सरकार के फैसले पर कहा था कि जिस तरह से रेड लाइट पर भिखारी से पीछे बात नहीं है, जिसके बाद विपक्ष ने मनप्रीत बादल पर हमला बोला। अगर यू नो यू सेइंग इट्स लाइक सेइंग कि एट द रेड लाइट डोंट गिव अ बेगर, यू नो बिकॉज़ दैट एनकरेजेस बेगिंग। अब ऑफ द टाइम यू थिंक यार दफा करो, इसको तो यू नो बेगर को तो दो यार। भोपाल में घर की दीवारों में मेरा घर बीजेपी का घर लिखे जाने पर सियासत गर्म हो गई है। शहर के लोगों का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ता आकर उनके घरों पर मेरा घर बीजेपी का घर लिख के जा रहे हैं। ऐसा करने से पहले वो पूछ भी नहीं रहे हैं। कांग्रेस का भी आरोप है कि उनके घरों पर भी मेरा घर बीजेपी का घर लिखा जा रहा है। मामले को बढ़ता देख कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस का मानना है कि किसी के घर पर लिख देने से कि कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हो जाता। अब कांग्रेस बीजेपी की शिकायत चुनाव आयोग से करेगी, जबकि बीजेपी नेता अति उत्साह में ऐसा करना बता रहे हैं। कांग्रेस का पदाधिकारी हूं और मेरे घर पे इन्होंने बिना मुझसे परमिशन लिए, मैं था नहीं घर पे और इन्होंने लिख के चले गए। घर वालों ने मना भी करा और इन्होंने यहाँ गांव जो है हमारा शाहपुरा गांव बहुत पुराना गांव है और यहाँ किसान लोग रहते हैं और घर पे बिना इजाजत सबके लिखा है उन्होंने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समयदानी रहते हुए लगातार घर घर में द्वार में दस्तक दी है और हमारे विचार जो पंडित दीनदयाल जी के थे उनको घर घर पहुंचाया रहते हुए लगातार घर घर में द्वार में दस्तक दी है और हमारे विचार जो पंडित दीनदयाल जी के थे उनको घर घर पहुंचाया है। मनोज शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज, जानकारी जरा पूरा मामला बताइए और साथ ही साथ कार्रवाई क्या कुछ हो सकती है क्या?
कार्रवाई में एसडीएम को शिकायत चुकी कांग्रेस कर रही है, क्योंकि जो जिसके घर में लगाया गया था वो अपने आप को कांग्रेस का कार्यकर्ता कहता है और कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर में मेरा घर बीजेपी का घर देखने का कोई औचित्य नहीं है। ये इस बात को लेकर कांग्रेस एसडीएम से शिकायत कर रही है, चुनाव आयोग से भी अपनी बात कहने वाली है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जो सारा कुछ हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है जैसा मिस्ड कॉल जब दिए गए थे बीजेपी की तरफ से, और कई ऐसे लोगों को भी पहुंचे थे कि जिनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, उनको भी कार्यकर्ता बताया गया, उनको भी सदस्य बनाया गया या सदस्य उनको कहा गया कि ये हमारे सदस्य है। तो ये भी इसी तरह का मामला है, जबकि उस घर में जाकर ऐसा कुछ जैसे अपनी अपनी आइडियोलॉजी बताना या अपनी विचारधारा बताना और विचारधारा बताने के बाद उस घर के सदस्य को बीजेपी से जोड़ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर के सामने स्टिकर लगा दिया गया। शुक्रिया मनोज। संयुक्त राष्ट्र संघ की साल 2017 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार के मुताबिक अब से 7 साल बाद भारत दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि जनसंख्या के मामले में भारत 2024 तक चीन को पछाड़ देगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत की जनसंख्या 1.5 अरब हो जाएगी। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की साल 2015 की जनसंख्या रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि जनसंख्या के मामले में भारत 2022 तक चीन को पछाड़ सकता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में राज्य सरकार के ऊर्जा मंत्री पारस जैन एक छोटे बच्चे की मालिश कर रहे। अपने जन्मदिन के मौके पर पारस जैन ने कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की अपील की और जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में खुद पारस जैन ने एक छोटे बच्चे की तेल से मालिश की। पारस जैन का जन्मदिन मनाने महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिट्ठीस भी पहुंची थी और उन्होंने भी पारस के अंदाज में बच्चों की खूब मालिश की। जन्मदिन ऐसा मनाना चाहिए जो दूसरे के काम आए। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद कई और मंत्रियों ने भी बच्चों की मालिश में हाथ आजमाए और पारस जैन के जन्मदिन मनाने के तरीके की तारीफ की। इस कार्यक्रम में बाल विकास मंत्रालय की ओर से जिले के कुपोषित बच्चों को बुलाया गया था और सैकड़ों की तादाद में लोग अपने बच्चों को लेकर वहां पहुंचे थे और उन बच्चों की मालिश करने के बाद उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए सभी के घर वालों को शुभकामना के प्रमाण पत्र सौंपे गए। इस मौके पर अर्चना चिटनिस ने गीत गाकर पारस जैन को जन्मदिन की बधाई दी। कार्यक्रम के अंत में पारस जैन ने लोगों से ये भी अपील की कि वो कुपोषित बच्चों के लिए दान देकर आने वाली पीढ़ी को बेहतर बनाने में सहयोग करें। भोपाल में पोस्टर के जरिए बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। भोपाल में बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगाकर शिवराज सरकार और कांग्रेस सरकार की तुलना की गई। साथ ही आंदोलन में हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया गया। खासकर पोस्टर और होर्डिंग्स को उन जगहों पर लगाया गया जहां ज्यादा लोग जुटते हैं। पोस्टरों और होर्डिंग्स में 2003 की कांग्रेस सरकार और शिवराज सरकार के कामकाज की तुलना भी की गई। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 27 जून से किसान संदेश रथ यात्रा निकालने जा रही है। इस रथ यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री 3 दिन तक प्रदेश के जो किसान हैं उनके बीच में जाएंगे और सरकार के किसानों के लिए किए गए कामों को गिनाएंगे। शिवराज ने भी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वो सरकार के कामकाज को जनता के बीच गिनाएं। दूसरी ओर भोपाल में पोस्टर लगाकर बीजेपी कांग्रेस को किसानों के मुद्दे पर बैकफुट पर लाना चाहती। पश्चिम बंगाल में हुगली के तारकेश्वर मंदिर की कमान एक मुसलमान को सौंपने पर सियासत तेज हो गई है। ममता बनर्जी के इस कदम का बीजेपी ने विरोध जताया और बीजेपी के विरोध की वजह ममता बनर्जी का वो फैसला है जिसमें उन्होंने तारकेश्वर मंदिर के आसपास विकास के लिए एक बोर्ड का गठन किया है और उसका मुखिया मुस्लिम मंत्री फिरहाद हाकिम को बनाया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी को फैसला वापस लेने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। तो 48 घंटे कल खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं कलकत्ता हाई कोर्ट में PIL फाइल करूंगा। इस बीच हुगली के तारकेश्वर मंदिर मुद्दे के बाद सुर्खियों में आए मंत्री फिरहाद हाकिम भी सामने आए और सफाई दी। हमें तारकेश्वर मंदिर कमेटी के चेयरमैन बनाया गया है, पूरा पूरी गलत। डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके साथ मंदिर का कोई संपर्क नहीं। मंत्री लाख सफाई दें लेकिन बीजेपी ने ममता बनर्जी के फैसले को मंदिर पर कब्जे की लड़ाई से जोड़ दिया। तटबंध टूटने से हजारों एकड़ फसल बर्बाद। यूपी के महाराजगंज में महाव नाले पर तटबंध टूटने से हजारों एकड़ फसल पानी में डूब गई, जिसकी वजह से 3 गांव के लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। यूपी के हरदोई में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले प्रबंधक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि योग दिवस के मौके पर आरोपी ने छात्रा से छेड़छाड़ की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने डेंटल कॉलेज के डॉक्टर पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी। अमरोहा में 12 साल की एक बच्ची की रेप के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
अलीगढ़ में नाबालिग के रेप के बाद लोगों ने आरोपी की पीट पीट कर हत्या कर दी। इस दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया। भोपाल से सटे रायसेन में एक निजी स्कूल की छात्राओं ने शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। छात्राओं की शिकायत पर केस दर्ज हो गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से निचले इलाके में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कानपुर स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व कर्मचारी ने नौकरी जाने के बाद आर्थिक तंगी से परेशान होकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। मोसूल में आईएसआईएस के आतंकियों से इराकी सेना की जंग जारी है। सेना और आतंकियों के बीच जंग पिछले 8 महीने से जारी है। अमिताभ बच्चन ने एक विज्ञापन में जीएसटी की खूबियां बताते नजर आए। केंद्र सरकार ने अमिताभ को जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जिसके बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इस विरोध की वजह जीएसटी से जुड़ा ये विज्ञापन है, जिसमें अमिताभ बच्चन इसके फायदे गिना रहे हैं। जीएसटी ये टैक्स सिर्फ टैक्स नहीं, एक पहल है। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर बनने की वजह से विपक्ष अमिताभ के खिलाफ खड़ा हो गया। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उन्हें विज्ञापन से परहेज करने की नसीहत दे डाली। उनके चेहरे पे लोगों की नाराजगी के छींटे पड़ सकते हैं। हालांकि संजय निरुपम के बयान पर कांग्रेस साफ साफ कुछ भी कहने से बचती नजर आई। तो सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट एक जगह है, किसी भी कर का असली मूल्यांकन तब होता है जब उसका प्रभाव जनता पर देखा जाता है। मनीष तिवारी के बयान से साफ है कि अमिताभ बच्चन के विरोध पर कांग्रेस के अंदर ही असमंजस है। अमिताभ बच्चन के विरोध में कभी उनके दोस्त रहे अमर सिंह भी कूद पड़े। उन्होंने भी अमिताभ बच्चन को जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर एतराज जताया। और न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में अमर सिंह ने केंद्र को सलाह देते हुए कहा कि मेरी सिर्फ इतनी अपील है कि सरकार को पनामा केस में अमिताभ बच्चन पर लगे आरोपों के बादल छटने का इंतजार करना चाहिए। विपक्ष के बवाल के बीच अमिताभ से जुड़े सूत्रों का दावा है कि अमिताभ ने इस मसले पर उनसे बात की और साफ किया कि मैं जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं, बल्कि कुछ विज्ञापन किए हैं जिनके लिए मैंने कोई पैसे नहीं लिए। पंजाब के जालंधर में दो गुटों में झड़प हो गई, जिसके बाद दोनों ओर से जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग तफरा तफरी मच गई। जालंधर के चुनमुन मॉल के रेस्टोरेंट अलीशी मंकी के बाहर पहले दो गुट किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों गुटों में फायरिंग शुरू हो गई। करीब 7 फायर किए गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फायरिंग करने वालों की तलाश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया में अनिल कुंबले की एक चिट्ठी ने खलबली मचा दी। इस चिट्ठी में उन्होंने टीम इंडिया के कोच पद से हटने की वजह कप्तान विराट कोहली की नाराजगी को बताया और अपने चाहने वालों के लिए इस चिट्ठी को अनिल कुंबले ने फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट किया। इस चिट्ठी में कुंबले ने कोच पद से इस्तीफे की वजह का जिक्र करते हुए लिखा कि सोमवार को मुझे पहली बार बीसीसीआई ने बताया कि कप्तान को मेरे तरीके और कोच बने रहने पर समस्या है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैंने हमेशा कप्तान और कोच की सीमाओं का सम्मान किया। हालांकि बीसीसीआई ने कप्तान और मेरे बीच गलतफहमी दूर करने की कोशिश की, लेकिन ये साफ था कि हमारी जोड़ी आगे टिकने वाली नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि मेरा पद छोड़ना सही रहेगा। कुंबले की चिट्ठी से साफ था कि उन्होंने विराट कोहली की वजह से ही कोच पद से इस्तीफा दिया। इसी चिट्ठी में उन्होंने कप्तान और टीम के खिलाड़ियों की तारीफ भी की और उन्हें जीत का पूरा श्रेय दिया। हालांकि अनिल कुंबले के कोच रहते टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा। पिछले एक साल में भारत ने टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज को 2-0 और न्यूजीलैंड को 3-0 से हराया, जबकि इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में 4-0 से और बांग्लादेश को 1-0 से शिकस्त दी। साथ ही ऑस्ट्रेलिया को भी टेस्ट में 2-1 से टीम इंडिया ने मात दी। इसके अलावा 8 वनडे मैचों में भी भारत को जीत हासिल हुई, जबकि 5 में हार मिली। अनिल कुंबले की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा, उनका एक साल के पीरियड में भारतीय टीम ने टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन प्राप्त की। लेकिन कुंबले के इस्तीफे पर सुनील गावस्कर ने हैरानी जताई। गावस्कर के मुताबिक, मुझे विराट और अनिल के बीच मतभेद की बहुत कम जानकारी है, लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए ये बेहद दुखद दिन है। कुंबले के इस्तीफे के बाद अब नए कोच की तलाश शुरू हो गई है। बीसीसीआई के मुताबिक नए कोच की नियुक्ति भारत के श्रीलंका दौरे से पहले जुलाई के आखिरी हफ्ते में होगी। सूत्रों के मुताबिक रवि शास्त्री की वापसी की संभावना है, हालांकि उन्होंने कोच के लिए आवेदन नहीं दिया है। इनके अलावा वीरेंद्र सहवाग और टॉम मूडी का नाम कोच की दौड़ में सबसे आगे है। ये भी संभावना है कि नए कोच के चुनाव में सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण की भूमिका ना हो। बीसीसीआई ने जो सीईओ की कमेटी है उसके चेयरमैन वसुंधरा जी से भी बातचीत की है। सब बातचीत होने के बाद जो है ये तय हुआ है कि श्रीलंकन टूर के पहले कोच घोषणा हो जाएगी।
महाराष्ट्र के नासिक में कर्ज से परेशान एक किसान ने खुदकुशी कर ली। किसान ने 50,000 रुपए का कर्ज लिया था जो ब्याज समेत 75,000 हो गया था, जिसे किसान देने में मजबूर था। बताया जा रहा है कि कर्ज की वजह से ही किसान अप्पा साहेब जाधव ने खुदकुशी कर ली। दिल्ली में किसान घाट पर कई किसान नेता जमीन पर लेटे दिखे। इस बीच पूरे देश में किसानों का प्रदर्शन जारी रहा। कई जगहों पर किसानों ने चक्का जाम कर विरोध किया। इस कड़ी में योग दिवस के दिन किसान नेताओं ने योग के एक आसन को ही अपने विरोध का जरिया बनाया और चौधरी चरण सिंह के स्मारक किसान घाट पर शवासन कर अपना विरोध दर्ज कराया। हम संदेश देना चाहते हैं पूरी दुनिया के लोगों को कि इस देश का किसान अब केवल शवासन के लायक ही नहीं छोड़ा है। योग दिवस के मौके पर किसानों ने पूरे देश में कई जगहों पर प्रदर्शन किया। खासकर उत्तर प्रदेश में कई जगह भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने चक्का जाम कर दिया, जिसकी वजह से हजारों गाड़ियां घंटों ट्रैफिक जाम में फंसी रहीं। इस दौरान किसानों ने हाईवे पर ही योग किया। हापुड़ जिले में सड़क पर उतरे भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने 2 घंटे तक हाईवे पर कब्जा जमाए रखा, जिसकी वजह से कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। वहीं ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर भी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जाम लगा दिया। यहां लोग मंदसौर में किसानों पर पुलिस फायरिंग के विरोध में सड़कों पर उतरे, तो योग दिवस के मौके पर विरोध का अनोखा तरीका मथुरा में भी आजमाया गया। यहां किसानों ने दिल्ली आगरा हाईवे जाम कर दिया और सड़क पर ही योग करना शुरू कर दिया। यहां जाम खुलवाने में अधिकारियों के पसीने छूट गए। यानी किसानों के नाम पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और इस सियासत के बीच किसानों की खुदकुशी का सिलसिला भी जारी है। इस कड़ी में महाराष्ट्र के परभणी जिले में कर्ज से परेशान किसान दंपति ने खुदकुशी कर ली। महाराष्ट्र के ही नासिक जिले में भी एक किसान ने खेत में बिजली का तार पकड़कर जान दे दी। इस बीच मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में खुदकुशी करने वाले किसान लक्ष्मी प्रसाद के घर कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी पहुंचे और परिवार के लोगों को सांत्वना दी, तो दिल्ली में कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर बीजेपी को किसानों के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। जब इनके हाथ में सत्ता की बागडोर आती है, सबसे ज्यादा भारत का किसान और भारत का युवा पिसता है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किसानों की खुदकुशी के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों को निशाने पर लिया। तो इस बीच कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों के दर्द पर कर्ज माफी का मरहम लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। पंजाब के बाद अब कर्नाटक सरकार ने भी कर्ज माफी का फैसला लिया। हालांकि इस कर्ज माफी की सीमा सिर्फ 50,000 रुपए तक ही रखी गई, जिसका बीजेपी ने विरोध किया। बीजेपी ने कर्नाटक में कर्ज माफी का दायरा बढ़ाने की मांग की और आंदोलन की चेतावनी दी। दिल्ली के मोदीपुर इलाके में एक युवक ने शराब के नशे में इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने एक 10 साल के बच्चे की सड़क पर बेरहमी से पिटाई की। आरोपी युवक की सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बच्चे को नाजुक हालत में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि एक बच्चे साथ मिलकर खेल रहे थे, तभी आपस में उनकी लड़ाई हो गई और इसी दौरान 10 साल का एक बच्चे ने आरोपी प्रवीण के 2.5 साल के बेटे की पिटाई कर दी, जिसका बदला लेने के लिए प्रवीण ने बच्चे को पटक पटक कर पीटा था। इंदौर की जैन कॉलोनी में एक महिला पुलिसकर्मी जमीन पर गिरी एक विदेशी युवती के हाथ बांधने लगी। इस विदेशी लड़की पर यहां नशे की हालत में हंगामा करने का आरोप लग रहा है। इसीलिए मौके पर पहुंची महिला पुलिसकर्मी हंगामा कर रही विदेशी युवती के हाथ बांधने लगी। आरोप है कि पुलिस के आने से पहले थाईलैंड की रहने वाली इस युवती ने यहां खूब हंगामा किया। आरोप है कि नशे की हालत में इसने यहां मौजूद लोगों को गालियां भी दी। नशे की हालत में ये लड़की कभी वहाँ मौजूद लोगों से उलझ रही थी तो कभी पुलिस वालों से। दारू पी हुई थी, बिल्कुल अपने आप को न संभाल पा रही थी। इस बीच जब लड़की की गालियाँ नहीं रुकी तो वहाँ मौजूद एक युवक ने उसे तमाचा जड़ दिया। काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद भी जब युवती का हंगामा नहीं थमा तो पुलिस वालों ने उसे उठाकर PCR वैन में डाल दिया। मेडिकल करवा कर महिला थाना रवाना किया गया, कार्रवाई जारी। पुलिस के मुताबिक हंगामा कर रही विदेशी युवती एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में एक शख्स ने अपनी पत्नी की 25 बार चाकू से वार कर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को अपनी पत्नी की किसी और से अफेयर होने का शक था। पुलिस के मुताबिक आरोपी का मंगलवार को अपनी पत्नी से विवाद हुआ, जिसके बाद बुधवार को उसने अपनी पत्नी की चाकू से हत्या कर दी। एंटार्क्टिका के डेविस स्टेशन पर बर्फ के बीच कुछ लोग एक छोटा सा तालाब बनाकर उसमें डुबकी लगाने लगे। ये लोग एंटार्क्टिका के विंटर सॉल्स्टिस यानी साल के सबसे छोटे दिन का जश्न मना रहे थे, जिसके लिए यहां मौजूद लोग बर्फ के बीचों बीच एक छोटे से तालाब में एक एक करके कूद 2 डिग्री सेल्सियस था।
हवा के मुकाबले पानी का तापमान ज्यादा होने की वजह से लोगों को ज्यादा ठंड नहीं लगती। It was amazing. There is the briefest moments where you slightly feel warm and then you work out that you actually. हर साल 21 जून को अंटार्कटिका में अलग अलग स्टेशन पर मौजूद लोग ये अनोखी डुबकी लगाते हैं। ये सालाना जश्न उन लोगों की याद में मनाया जाता है जो 19वीं सदी में यहाँ आए थे। साथ ही इस बात की भी खुशी मनाई जाती है कि अब जल्द ही यहाँ सूरज की रोशनी पहुँचेगी। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया। कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर विपक्षी दलों की आज शाम 4:30 बजे संसद भवन में बैठक। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलों के बीच पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। राष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को जेडीयू के समर्थन के बाद महागठबंधन में दरार। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को जेडीयू के समर्थन के बाद विपक्ष की बैठक में लालू यादव शामिल होंगे। बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग लालू की बेटी मिसा भारती के पति शैलेश से आज पूछताछ करेगा। कांग्रेस के सवालों पर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कहा, मैं जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं। भोपाल में बीजेपी ने पोस्टर और होर्डिंग्स के जरिए मंदसौर हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। भोपाल में बिना पूछे दीवारों पर मेरा घर बीजेपी का घर लिखने पर लोगों ने जताई आपत्ति। यूपी के बांदा में खेत में शौच के लिए जाने पर दलितों से वसूला जा रहा है एडवांस टैक्स। पंजाब के जालंधर में एक रेस्टोरेंट के सामने 2 गुट में गोलीबारी। पंजाब के कपूरथला में भाई ने परिवार के 4 लोगों को जहर देकर की खुदकुशी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2024 तक चीन को पछाड़कर भारत दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा। इराकी सेना के अधिकारियों के मुताबिक इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने अल नूरी मस्जिद को बम से उड़ाया।